स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। सरकारी अस्पताल की लापरवाही से हुई कोरोना मरीज की मौत, ये घटना बेलहुंगाल की बताई जा रही है, जहां पर कोरोना की मरीज की मौत अस्पताल की लापरवाही होने की वजह से सूचना ये सामने आई है। मल्लिकार्जुन, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका इलाज ना हो पाने से अस्पताल में मौत हो गई। मृत के बेटे का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसके पिता की मौत हो गई है। सही समय पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, उस वजह से घटना घटी है, जिसके चलते बेटे ने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। डॉक्टर कोटर इवर अड्डाड काल बिद्बंड्र नम अप कोविड बंदेल रे नेगेटिव बंद निम्मल्ले चेक माडिसिदवरे एल्लैतद ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ನೆ ಯಾರೋ ತೆಗ್ಗಿನ ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ ಅವ್ರು ಬರೋ ಮಟ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇವ್ರು। गुम्मट नगरी विजयपुर शहर में कोरोना महामारी संकट के चलते गरीब लोगों में खाने का वितरण किया जा रहा है। अनाथ बच्चों में, गरीबों में, मजबूर लोगों में खाना बांटा गया। इस दौरान विजयपुर शहर के दो युवकों की ओर से अनाज की व्यवस्था कर लोगों की मदद की जा रही है। सरकार की ओर से गुम्मट नगरी में सहायता अब तक जनता को नहीं मिली है, पर कई लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए अब नजर आने लगे हैं। कर्नाटक के विजयपुर शहर में महामारी कोरोना वायरस की वजह से परिवहन संगठन के कुल 51 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस महासंकट के कारण दो लोगों की मौत भी होने की सूचना सामने आई है और अन्य लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। शहर के केंद्रीय बस स्टॉप कचेरी में नारायण अप्पा कुरबार ने कहा कि परिवहन संगठन में कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं है, मगर बीते दिनों दो लोगों की जान जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। और आगे उन्होंने कहा कि बस अगर चालू होते तो हर दिन 70 से 80 लाख कमाई हुआ करती थी, मगर अब कोरोना दूसरे लहर के चलते सब परेशान है। नमगिरंत अंकि अंश प्रकार नम सिबंदी 51 जन के कोविड इतना ना जिलाधिकारी मत जिला अधिकारी सहकार ना ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट हास्पिटल प्राइवेट हास्पिटल इवती मिति नम ಯಾವುದೇ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರೋರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಹರ್ ಮೇ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ಕೆ ಚಲತೆ ಪಿಛಲೆ 4 ಮಹೀನೋ ಸೆ ಇಸೆ ರೋಕ್ನೆ ಕಿ ಯೋಜನಾ ಜಾರಿ ಹೈ। ಭಾರತ ಮೇ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೆ ಅಧಿಕ ಲೋಗ ಅಸ್ಪತಾಲೋ ಮೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಿಯೆ ಗಯೆ ಹೈ, ಐಸೆ ಮೇ ಕೊರೋನಾ ಕಿ ದೂಸರಿ ಲಹರ್ ಕೆ ವಜಹ ಸೆ ಅಧಿಕ ಲೋಗೋ ನೆ ಜಾನ್ ಭಿ ಗವಾಯಿ ಹೈ। ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಹರ್ ಕೆ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆ 10 ಗಾಂವ್ ಮೇ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪತಾ ಚಲ್ನೆ ಕೆ ವಜಹ ಸೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆ ಕಠಿನ್ ಸೆ ಕಠಿನ್ ರೂಲ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜಾರಿ ಕಿಯೆ ಹೈ। ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ 10 ಹಳ್ಳಿ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ 10 ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತವೆ। ಈ 10 ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿರೋದು 2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕುಡುತಿ। ಒಟ್ಟು 64 ಕೇಸ್ ಇದಾವೆ, 64 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ। चिकबल्लापुर शहर में कोरोना की वजह से HIV संक्रमित पीड़ित महिलाओं को खाने का वितरण किया जा रहा है। तालुका के 3 गांव के पंचायतों में 1000 से अधिक राशन दिया गया है। पिछली बार उषा किरान की ओर से 15,000 में लोगों में फुटकिट का वितरण किया गया था, मगर इस बार सिर्फ 1,000 लोगों में फुटकिट देने की योजना इन्होंने बनाई है। ಇವತ್ತಕ್ಕೆ 5ನೇ ರೌಂಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮುದ್ದನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 31 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಆ ರೌಂಡ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಟೋಟಲ್ 100 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿ 100 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। चिकबल्लापुर शहर में महामारी कोरोना की वजह से राज्य सरकार द्वारा कल से 4 दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महामारी कोरोना के रहते बार दुकानें पर टूट पड़ी है जनता, जरूरी सामान खरीदने के लिए नहीं दिख रही है सामाजिक अंतर। चिकबल्लापुर शहर में KH पुट्टस्वामी गौड़ा ने सार्वजनिक अस्पतालों को ऑक्सीजन वितरण किया है। गौरी बिदनूर नगर के सार्वजनिक अस्पताल में, अलीपुरवार में IK अस्पताल में 10 सिलेंडर वितरण किए गए हैं। हफ्ते में एक बार संक्रमित लोगों को फूड किट देने की योजना भी बनाई गई है। कोरोना मरीजों को सावधान बरतने की, मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी उन्होंने सूचना दी। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, MCH ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಪುರದ
ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. चिकबिलापुर शहर में महामारी कोरोना की वजह से राज्य में 4 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इस वजह से सामाजिक अंतर भूलकर जरूरी सामानों के लिए टूट पड़ी जनता. 4 दिन लॉकडाउन में सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय दिया गया है, जहां पर मेडिकल और अस्पताल की सुविधा प्रदान होगी. इसके अलावा अन्य तमाम चीजों के लिए पाबंदी लगा दी गई है. कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा आदेश के अनुसार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. इसी के चलते खुद एक डॉक्टर ने सरकार और कोरोना नियमों को तोड़ा है. घटना मंगलूर शहर की है, जहां एक सुपरमार्केट मॉल में एक डॉक्टर ने खरीदारी करने के लिए पहुंचे, जहां बिना मास्क के नजर आए. मॉल में इंटर करने के बाद मॉल के कर्मियों ने मास्क पहनने के लिए डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर BS ककलिया नामी व्यक्ति गुस्से में आ गए और कहने लगे कि सरकार लोगों को पागल बना रही है. कोरोना के कारण मास्क पहनना और लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा. यादगिरी शहर में बढ़ते मामलों के कारण 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है. ये लॉकडाउन में पूरी तरह से सड़कों पर वाहन सवारों को आना जाना बंद किया गया है. खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है. बस, अस्पताल और मेडिकल की सुविधा इस दौरान चालू रहेगी और हर जगह पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं. इसी के चलते पुलिस कर्मचारी द्वारा बाइक और कारों को सीज करने की घटना देखने को मिल रही है. कर्नाटक राज्य के यादगिरी जिले में स्थित सुरपुर तालुका में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखकर जिला अधिकारियों और सरकार द्वारा 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा यहां पर जारी की गई है. सब कुछ बंद रहेगा, लॉकडाउन की सूचना जारी हो चुकी है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं. मार्केटों में भीड़ देखने शुरू हो गई है. इस मामले को काबू में करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. लोगों को चेतावनी भी इस दौरान दी गई है और कुछ लोगों की गाड़ियां भी जब्त करने का मामला सामने आया है. राज्य के यादगिरी में स्थित शाहपुर और अन्य तालुका और ग्रामीणों में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ने के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कड़े बंदोबस्त जारी हुए हैं. लोगों की बाहर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बस जरूरत के तौर पर मेडिकल अस्पताल चालू रहेंगे. इसके अलावा बेवजह घूमने वालों से 4,000 जुर्माना वसूला जाएगा, ये सूचना भी इस वक्त सामने आ रही है. कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर में दक्षिण कन्नड़ा जिले में बटवाल तालुका गांव के करीब रहे मस्जिद के करीब एक घर में अचानक से भीषण आग लगी है, जिसके कारण घर में रहे सारा सामान पर भारी नुकसान पहुंचा है. इस घटना में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, मगर सामान पर भारी नुकसान होने का अनुमान है. घर के मालिक हनीफ का कहना है कि 50,000 से अधिक रकम के नोटे जल गई है और 20 ग्राम सोना भी इस दौरान जलने की मालिक ने बात कही है. आग लगी तो घर पर कोई नहीं था, जिसके वजह से किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है. समय रहते अग्निशामक दल को बुलाया गया है, पर उससे पहले घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था. मोदी वायरस कहकर कुछ जगहों पर देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जा रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए MP शोभा करंदलाजे ने कहा कि इस तरह का व्यवहार देश के प्रधानमंत्री पर अपमानजनक बातें कही जा रही है, इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए. ये कहना है शोभा करंदलाजे का. ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कोरोना काल में भी राजनीति खत्म नहीं हुई है. MP शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का वायरस ये नाम बदलकर मोदी वायरस कहा जा रहा है. ये कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति है. चुनाव के दौरान हम सब मिलकर राजनीति करें या देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध करें. चिकमंगलूर की सांसद शोभा करंदलाजे ने सरकार से विनती की है कि ऐसे लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है.
चिकमंगलूर शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा ये घोषणा जारी की गई है कि फिर एक बार संपूर्ण लॉकडाउन जिले भर में किया जाएगा। बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए इस दौरान जिलाधिकारी ने ये घोषणा की है कि सड़कों पर वाहन सवार नहीं जा सकते और होटल से लेकर मॉल और अन्य सभी चीजें बंद रहेगी। इंडस्ट्रीज वाणिज्य ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। ಆದರೆ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ, ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಪತ್ರ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವಂತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು